आजकल नया नया आदमी लोग आ रहे हो, कभी देखा नहीं जैसे लगता। तो उसका चक्कर में भाई हम एक्सीडेंट ना हो जाए, आप लोग की करेंगे चक्कर। इतना सुंदर सुंदर है ड्रॉइंग बनाया है। गोपुर अरुणाचल प्रदेश और कसरा बाबा गोपुर के टीनाली में स्वागत है फिर से मेरे नए दृश्य ब्लॉग पे। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फेसबुक पेज में देख रहे हैं फॉलो करो और बेल का आइकन से ठोको। आज की ब्लॉग चालू कर लेते करते चलिए। हाँ, तो अभी इस वक्त मैं बालेजा निकल रहा हूँ, जो कि मैं पपनोला का जस्ट ऊपर तेल डिपो है, उसमें मैं तेल वेल डालने और मूत्र विसर्जन करने आया हुआ हूँ। तो यहाँ पे स्पीड उठ कर लेते माउंट पे, शायद बारिश भी आने के चांस है अभी फिलहाल। तो आप लोग एक दो जगह दिखा देंगे, ये देखिए बारिश आने के चांस है। बारिश नहीं आने से तो वो बोट सिनेमेटिक से आपको वीडियो शूट कर सकता था। पता नहीं बारिश आएंगे कि नहीं आएंगे। अभी हम यहाँ से निकलते हैं रेडी रेडी करके, माउंट में फिटिंग करके डायरेक्ट नजर का देखिए, छोटे छोटे क्लिप दिखाई देंगे आपको। तो एग्जैक्ट पालीजन पहुंचने के बाद आप फिर से इस तरफ बातचीत करते हैं। हाँ हो गया, तो मैं अभी चश्मा वश्मा लगा लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कीजिए। मैं अभी ईटानगर थ्रू से जा रहा हूँ, यह है नेशनल हाईवे 415। तो फटाफट मुझे चलना है और वापस भी तो आना है मुझे वहाँ से, ठीक है। बारिश भी बहुत जोरदार से आने वाला है शायद, तो हल्का हल्का बूंद से आ रहा है। जहाँ मैं शायद बारिश आएंगे तो मैं ये करता हूँ रेनकोट वेनकोट बाहर में पहन लेते हैं। और पीछे में भूफा बहुत बज रहा है भाई, लगभग 45-50-60 जैसे स्पीड चल रही है ये लोग गाड़ी लोग। मैं तो जस्ट 40 और 50 का आसपास में दौड़ रहा हूँ। तो फिलहाल मैं पापू नाला से क्रॉस हो गया, जो कि आप पहले शुरुआत में देखे वो पापू नाला का जो कि तेल डिपो थे। ये देखिए ईटाना का नज़ारा अभी देखने मिलेंगे। और ये जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो ये एम्स का जो कि ऑफिस बनेंगे बाद, अभी तक बना नहीं है। और ये देखिए खराब रास्ता, बहुत खराब है भाई। ये हाईवे जो कि काम करने वाला अभी तक किया ही नहीं, अब तक मुझे ही टेंडर करना पड़ेगा। ये देखिए इसमें था पहले, शायद आप पहले भी मेरा वीडियो में देखा होगा। ये देखिए इसमें पूरा तोड़ दिया और यहाँ पे पेंशन लगा दिया भाई, और लेकिन यहाँ पे शिफ्ट हो गया ऊपर में। इससे पेंशन से वाला तो फिलहाल तो दिख ही है, थोड़ा हो रहा नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पे जस्ट शिफ्ट हो गया थोड़ा पेंशन वाला। और ये रास्ता कितना खराब है, देखिए भाई देखिए 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 देखिए। पहले इसमें उसका चमड़ा उखड़ गया जैसा लग रहा था पहले, नया नया में जब ये उखड़ते समय को बारिश आते समय को, और बारिश भी बहुत आ रही है, हल्का हल्का बूंद से आ रहा है। तो हम अभी यहाँ पहुंच गए ईटानगर का, ये सुंदर सा नजारा देखिए, ये गच्ची बढ़िया है ना। अगर इसमें ठंडा महीना में हो गए तो रात को लाइटिंग वाला लगाएंगे तो झिलिक मिलिक वाला मस्त होंगे, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। आप लोगों में एक बार अभी नीचे टनल बंकर पे लेके चलते हैं, ऊपर पे टिक टाक ही है, फिर भी जब वापस वहाँ से रिटर्न आते हैं तो मौका मिलते हैं तो आपको मैं ऊपर का नज़ारा का दिखाते हैं। ये है अंडर पास नेशनल हाईवे 415। अरे मेरा होते हुए भी रिटेंडर क्यों नहीं हो रहा, अरे क्या हो रहा है ये।
ये जो हाईटेक देख रहे हैं भाई, मैं इसी से शूट कर रहा हूँ। इसी से इसमें आके एक दिन में जरूर लूंगा भाई नया वाला। अब तो 56 GB या तो भाई 15 वाला जो GB हो रहा है भाई, रैम GB आगाम बगराम होते उसे मैं ले रहे हैं भले हमारा कितनी चले जाए भाई एक, लेकिन हम बाद में नया वाला लेंगे। ये सिविल सेक्रेटरी और एक बार नजारा देखेंगे, ये फिर आप पहले भी देखा होगा। कितना सुंदर सुंदर है ड्रॉइंग बनाया है। आप घर में घुमाएंगे तो हमारा भी ऐसे पेंटिंग वेंटिंग कराएंगे, तो उसका चक्कर में भाई हम एक्सीडेंट ना हो जाए आप लोग के चक्कर में। तो कंसंट्रेट करते हैं अपने रास्ते पे। ये ईटानगर फिलहाल अभी मैं पहुंच गया। ईटानगर गंगा उस पोस्टर वोस्टर सिखाया है ये ईटानगर टावर क्लॉक। एडवर्टाइजमेंट में तो बहुत बढ़िया से दिखाता है भाई बन गया, लेकिन एक्चुअली अभी तक बना नहीं है। हम अभी कहीं से पूर्व कर रहे हैं आरके मिशन। ये है गोपुर, गोपुर अरुणाचल प्रदेश और कचरा बाबा गोपुर के टीनाली में। ये देखे IMC का ऑफिस हेड ऑफिस इसी में ही है गोपुर में, चिंपू गोपुर। लेकिन देखिए कचरा तो बड़ा हुआ है दुनिया भर। अगर आप IMC वाला देख रहे हैं तो प्लीज कृपया करके इसको साफ कर दीजिए, या तो कुछ नोटिस दीजिए और कुछ ठंगाए भाई बोलिए, अनाउंस कीजिए। खाली लिखने से नहीं होंगे भाई, प्रैक्टिकली और बात जो कि डिजिटलाइज बात कीजिए, बोलिए फेसबुक में आके या उसके ही सोशल मीडिया में आके बोलिए कचरा ना फेंके ऐसे रास्ता के बीचों बीच। देखने के लिए बहुत बोरिंग लगता है भाई और लगता है। ये देखिए IMC शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हेड ऑफिस यहाँ पे होते हुए भी कचरा है भाई, आप उतना नजर करते। ये देखिए आप देख लिया होगा IMC। थैंक यू विजिट अगेन। चलिए तो ये सुंदर सा नजारा देखिए। मैं थोड़ा स्कूटी का इंजन को थोड़ा ऑफ कर देता हूँ, इंजन का ऑफ करके थोड़ा टेल बचित कर, शायद आपको सुनाई दे रहा होगा। हाँ तो सभी ऑन करके रखता कभी भी सेफ्टी है। हाँ ऑन है भाई। फिलहाल तो मैं स्टार्ट किया हुआ है नहीं, ऐसे इंजन ऑफ करके मैं टेल बचित कर रहा हूँ। सॉरी जो कि बाइक अभी आप ऐसे बंद करके जा सकते इंजन ऑफ करके आराम से, तो आपका टेल बचित हो जाएंगे। ये ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर या तो 1/2 किलोमीटर तक का आपको डाउन है। नहीं वहीं से 1/2 लीटर तो आपका बचत हो जाएंगे। एक दिख रहा है ये सबसे कचरा वाला, और ये डंपिंग करके रखना सारा ईटानगर नाहरलगन का कचरा यहाँ में डंपिंग करता है। देखने के लिए सबसे ओड लगते हैं। और जब BAP ये बाई रोड से आएंगे तो आपको यहाँ में बंद किया वाला मिलेंगे, ताकि जो आ रही है आदमी लोग वो लोग दिखाई ना दे। और देख लीजिए नजारा कैसे है बता दीजिए। ओ पहाड़िया वो आपका इंजन बंद करके भी आप 50 स्पीड में दौड़ा। पटलू खाली पेट में दिमाग नहीं चलती। मत कुछ सोचो कुछ करो। उसका चक्कर में मेरा धूप निकल गया मोटू, चिंता मत करो। पर चिंता मत कीजिए, मैं ऐसी दवाई बनाऊंगा डॉक्टर झटका की कसम, ये रास्ता को बढ़िया से चमक चमक दूंगा, इसमें सोना में चिपका दूंगा। तो इसी तरह आपको मजा वाला चाहिए तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। नेचर में जब आते हैं ना उसका सांस मिठास वाला आते हैं, सुकून पूरा सुकून वाला मिलता है, खुशबू बढ़िया फ्लेवर ABCD चटनी भी पूरा विटामिन मिलेंगे आपको नेचर वाले। लेकिन बिल्डिंग जगह में नहीं, ABCD जट पूरा केमिकल वाला बदबू मिलेंगे यहाँ पे नेचर भाई। आहा खाली है इसका ब्लैक टॉपिंग को छोड़ के भाई बढ़िया है भाई। आई एम वेरी खुश बट वेरी जल्दी 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 सोलो 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 आप भी देखिए जल्दी जल्दी देखिए। ये बिना क्लास फेडिंग के आप ये
तो मैं इसका कलर थोड़ा सा हल्का सा फेड कर देता हूँ और उसके बाद थोड़ा सा सिनेमेटिक वाला म्यूजिक लगा देते हैं। तो आप देखिए ये सिनेमेटिक वाला और स्लो मोशन वाला म्यूजिक। देख लिया होगा तो आपको कैसा लगा प्लीज एक बार कमेंट कर दीजिए प्यारा से। तो और एक जगह में आपको थोड़ा सिनेमेटिक टाइप का आपको थोड़ा नजारा ट्राई करूंगा दिखाने के लिए। ओलंगी चेक गेट पहुंच गए भाई। ये ओलंगी चेक गेट बना रहा है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। चेकिंग चल रही इनरलाइन परमिट सही ढंग से चेक कीजिए भाई पुलिस प्रशासन लोग। चलिए तो मैं अभी फिलहाल पालीजन के बीच में पहुंच गया हूँ। ये देखिए नज़ारा ये फिर बहुत जंगल था शायद आप देखा होगा नहीं देखा तो चैनल पे जाकर देख लीजिए वीडियो को। देखिए बहुत जंगल था और ये देखिए बगान छापाटी बगान छापाटी बगान अभी देखने में मजा है। ऐसे साफ सफाई होंगे तो जंगल नहीं होंगे तो इतना देखने में मजा है भाई। आप थोड़ा तो दूर का नज़ारा को भी आराम से आप देख सकते हैं। अरुणाचल का रास्ता है इतना बढ़िया है भाई। ग्रीन ग्रीन देख रहे तो मेरा दिल गर्दन गर्दन हो रहा है भाई। तो मेरा पीछे का जो की कवर है तेल की तेल टैंकी उस में जो कवर है कुछ अंदर में नोक्स ढीला हो गया बैठा हुआ है। तो बाद में मैं जब सर्विसिंग करने जाऊंगा तो उसे बना लेते। ये है बीकेवी स्कूल बालीजन पहुंच गया है ऑलमोस्ट। यह है छोटा सा मार्केट बालीजन आज बंद है भाई ना कुछ अर्ली इन द मॉर्निंग आने का वजह से। ठीक है तो हम इधर जाते हैं। तीता जी आ गया कि नहीं आ गया एक बार देखते हैं। आए तो ठीक नहीं तो फोन करते हैं। तो हम यहाँ पर करते हैं। वाह हाँ जिंदाबाद जिंदाबाद हाँ फोन में व्यस्त है ठीक है ठीक है। आजकल नए नए आदमी लोग आ रहे हो कभी दिखा नहीं इसे लगता। तो ठीक है फिलहाल अभी मैं पहुंच गया अभी थोड़ा रेस्ट वेस्ट कर लेते हैं उसके बाद खत्म करते एडिटिंग शेडिटिंग कर मिलते हैं दुरुम दरम गाइस।